हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप होंगे बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ गाजर के हलवे की रेसिपी। ठीक है फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करनी थी, आप लोग मेरे पे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप लोगों तक आइएगा। बनाना स्टार्ट करते हैं ये गाजर का हलवा। ठीक है, ये देखिए मैंने 2 किलो गाजर ली है, मैंने अच्छे से इन्हें वॉश कर ली है। ठीक है, अब हमें क्या करनी है, इन्हें कद्दूकस करनी है इन सबको। ये देखिएगा मैंने इन सबको कद्दूकस कर लिया है और मैंने एक कुकर लिया है, इस कुकर में सारे के सारे डाल दिया है। ठीक है, और इस साइज़ की स्पून से 2 चम्मच मैंने इसमें घी लिया है। आप चाहो तो इसमें बटर भी ले सकते हो, इससे बहुत ही अच्छा है, टेस्टी और यम्मी बनेगा हलवा। ठीक है, और ढक्कन बंद करेंगे और 2 सीटी लगाएंगे हम मीडियम आंच पर रख के, और इसमें पानी नहीं डालना है आपको। कुकर में गाजर के पानी छोड़ता है इसीलिए आपको पानी नहीं डालना है इसमें। ऐसे ही 2 सीटी लगा लेनी है आपको कुकर में। और देखिएगा एक साइड मैंने कढ़ाई में दूध ले लिया है, ये देखिएगा 1.5 किलो दूध लिया था मैंने और इसमें 1 किलो दूध बच गया है और 0.5 किलो दूध पका लिया है मीडियम आंच पर रख के, आप देख सकते हो। अब जो हमने गाजर उबाली थी कुकर में वो सारी की सारी हम इसमें ऐड करेंगे, और कुकर में जो आपका थोड़ा बहुत पानी रहा हो वो भी आप इसमें डाल दें। ठीक है, और फिर उसके बाद इसे मिक्स करेंगे हम। हम इसे फुल आंच पर पकाएंगे 15 से 20 मिनट के लिए। देखिएगा आप, अभी हमारा इसमें दूध बचा है, और देखिएगा इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे चीनी। मैंने इसमें 2.5 कटोरी चीनी ऐड करी है, मीडियम साइज़ की कटोरी ली थी उससे 2.5 कटोरी ऐड करी है। आप मीठा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। फिर हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, हमें गैस की आंच फुल रखनी है और हमें इसे अच्छे से इसका दूध जो है अच्छे से इसमें जब तक मिक्स ना हो जाए तब तक आप इसे फुल आंच पर पकाइएगा। बिना कलर के बनाएंगे आज हम, देखिएगा कितना अच्छा कलर आ रहा है, ये देखिए बिल्कुल रेड कलर, ये देखिएगा आप देख सकते हो। और अब हम क्या करेंगे, इसे मीडियम आंच पर छोड़ देंगे 5 से 7 मिनट के लिए, और एक फ्राई पैन ले लेंगे और उसको हम क्या करेंगे, उसमें 1 चम्मच घी डालेंगे, घी को गर्म होने देंगे। और देखिएगा मैंने काजू बादाम लिए हैं, कोई ड्राई फ्रूट्स आपके पास जो हो आप ले सकते हो। देखिए घी गर्म हो चुका है और मैं सारे के सारे इसमें ऐड करूँगी, और हमें इन्हें लाइट फ्राई करना है और मीडियम आंच पे ही आप लाइट फ्राई करें जिससे कि आपके काजू और बादाम है वो अच्छे से क्रिस्पी हो सके, खाने में बहुत टेस्टी लगेंगी क्रिस्पी करके आप हम इसमें डालेंगे गाजर के हलवे में तो। ठीक है, इसमें मैं रेजिन भी डालूँगी और रेजिन बाद में डालेंगे हम, मैं बताऊँगी कैसे कब डालनी है आपको। नहीं देखिएगा आप देख सकते हो मेरे लाइट फ्राई हो चुके हैं, अब हम गैस बंद कर देंगे। गैस बंद करने के बाद अब मैं इसमें कुछ रेजिन डालूँगी और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे घी में, और इसको गैस बंद करने के बाद ही डालें ताकि आपके रेजिन जले नहीं, पहले डालोगे तो जल जाएगी। ठीक है, हम देखते हैं अपना हलवा, ये देखिएगा कितना अच्छा कलर आया है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 पाव मावा, इससे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी यम्मी बनेगा हलवा। और देख सकते हो आप दूध इसमें सारा पक चुका है अच्छे से,
गाजर में मिक्स हो चुका है, पक चुका है, देख सकते हो आप। इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए आप, ये तो अच्छा कलर आया ना इसका, ये देखिए आप, मिक्स कर लिया है मैंने। देखिए कितना अच्छा कलर आया है, ये देखिएगा, इसमें दूध बिल्कुल भी नहीं बचा है, सारा हमने दूध पका लिया है अच्छे से, आप देख सकते हो। और अब हम क्या करेंगे, अब हमने जो ड्राई फ्रूट लाइट फ्राई करे थे वो सारे के सारे हम इसमें ऐड करेंगे। इसमें जो घी बचा है आप वो भी डाल सकते हो, आपके पास जो जो ड्राई फ्रूट हो आप वो डाल सकते हैं। मैंने इसमें बस ये तीन चीज़ें ऐड करी हैं, इससे बहुत ज़्यादा यम्मी और टेस्टी लगेगा। इस तरह से लाइट फ्राई करके आप इसमें ड्राई फ्रूट डालेंगे तो। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद हम इसकी गैस बंद कर देंगे। देखिएगा हमारा हलवा बनके तैयार हो गया है, देखिए आप कितना अच्छा कलर आया है, देखने में यम्मी टेस्टी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और हम इसे साफ करेंगे। देखिएगा आप, मैंने इसे साफ कर लिया है, देख सकते हो। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ ड्राई फ्रूट लेंगे। देखिएगा मेरे पास जो थे मैंने वही ड्राई फ्रूट लिए हैं, मैंने साबुत ही लिए हैं। अब इसको हम इसको डेकोरेट करेंगे। ये देखिएगा, चाहे तो आप काट के भी लगा सकते हैं, चाहे आप ऐसे भी लगा सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे आप ऐसे लगाइएगा, मैंने इसलिए साबुत ही लगाया है। देखिए बहुत ज़्यादा यम्मी और टेस्टी, ठीक है। ये देखिएगा मैंने कर दिया है, कैसा लगा आपको ये हलवा आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं फ्रेंड्स, बाय बाय नेक्स्ट वीडियो में।